अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी, पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नया गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी को सबक सिखाने की नीयत से उसकी 6.5 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म कर निर्मम तरीके से हत्या करते हुए शव को जंगल में फेंक दिया गया। बड़ी ही शर्मनाक घटना। ग्राम नया गांव निवासी राजेश रजक को अपने पड़ोसी से इस बात को लेकर शिकायत थी कि उसका पड़ोसी अपने घर में ऐसे लोगों को बिठाता है जो उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करते हैं। केवल इस बात का सबक सिखाने के लिए राजेश रजक द्वारा अपने पड़ोसी की 6.5 वर्षीय मासूम बच्ची का 17 तारीख को अपहरण किया गया। आरोपी बच्ची का अपहरण करके उसे जंगल में ले जाया गया और जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छुपा दिया गया। इधर दूसरी तरफ घर में बच्ची को न पाकर पिता द्वारा सभापुर थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा बच्ची की तलाश की जा रही थी, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इस सब के बीच आरोपी की भी लगातार बच्ची के परिजनों के साथ खोजबीन का नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी सहित कुछ अन्य लोगों से शक के आधार पर कई बार पूछताछ की गई, जिसमें हर बार आरोपी का बयान अलग अलग होने पर पुलिस द्वारा जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तब आरोपी राजेश रजक द्वारा पूरी घटना का खुलासा किया गया। SDOP चित्रकूट आशीष जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाएगा। ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये बच्ची इसके घर में खेल रही थी, गेहूं भी इसका छना आया, फिर इसको खाना परस के दी, फिर बच्ची अपने घर आ जाती है, फिर क्या बच्ची इसके घर जाती है तो ये क्या किया कि गाड़ी स्टार्ट किया, बच्ची को गाड़ी में बैठाया, इसके साथ घूमने जाती थी, कहा चलो तुमको घुमा लाऊं, ले गया जंगल में मार के इसको फेंक दिया। क्या नाम है उसका आरोपी का? आरोपी का राजेश रजक। क्या शंका क्या है अभी और क्या क्या है? और शंका यह है कि ये एक आदमी तो ना होगा, और भी आदमी हाँ, उसका खुलासा किया जाए। खुलासा किया जाए कितने लोग हैं? कार्रवाई की जाए उसके ऊपर, पर कार्रवाई की जाए। मर्डर के साथ साथ और कुछ भी है जी? हो सकता है क्या क्या किया उस बच्ची के साथ, बलात्कार भी किया होगा, अपहरण किया, मर्डर किया, सब तो कर दिया। क्या चाहते हैं? उसको फांसी की सजा, उसके घर में JVC मशीन चलवा के उसको गांव से निकाल दिया जाए, पूरा परिवार को थाना सभापुर अंतर्गत ग्राम नया गांव में, नया गांव से पुलिस को एक 6 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसमें तत्काल धारा 363 का मुकदम दर्ज करके आवश्यक तलाशी अभियान शुरू किया और ये तलाशी अभियान हमारा 7 दिन तक लगातार चलता रहा। इस दौरान पुलिस ने जो है 3-4 संदेही चिन्हित किए थे। वो 3-4 संदेही चिन्हित करने के बाद एक मुख्य संदेही के रूप में निकल के आया था और जिसका नाम राजेश रजक है। और राजेश रजक से पुलिस ने हिकमत अमली से और कड़ाई से पूछताछ की तो राजेश रजक ने पारिवारिक विवाद के चलते उसकी जो 6 साल की बच्ची है उसकी मृत्यु करना, मृत्यु के साथ ही उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देना कबूल किया है, जिस पर से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा।